हेलो एवरीवन, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर 70,000 से भी अधिक मिलेगी, ऑल स्टेट यहाँ पर अलाउ रहेंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बॉटनी, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ईवीएस, मैनेजमेंट स्टडीज, फूड एंड न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन स्टडीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी जो पद है, तो अभी हम जो है बिल्कुल विज्ञापन में हम देखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, ये इसकी जो है मेन वेबसाइट है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर्म 2023 आपको नजर आएगा। तो इसको जो है ओपन करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, अजमेर, यहाँ से वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली गई है। तो बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शन एंड टर्म्स कंडीशन हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो सारी चीजें जो है हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इसमें जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी की एक पोस्ट अप्लाइड केमिस्ट्री में है, अनरिजर्व में वुमेन कैंडिडेट की है जूलॉजी सब्जेक्ट में, उसके बाद एक जो है वो सोशियोलॉजी में है, ज्योग्राफी में एक एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है और एससी के लिए एक इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट में रखी गई है। उसके बाद जो है जो दूसरी यहाँ पर पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं बॉटनी में एक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, अप्लाइड केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में एक है पोस्ट, जूलॉजी में एक पोस्ट ओबीसी के लिए है, इकोनॉमिक्स में एक एससी के लिए है, ज्योग्राफी में अनरिजर्व कैटेगरी में वुमेन कैंडिडेट के लिए है, हिस्ट्री में एक सीट है एसटी कैटेगरी की, पॉलिटिकल साइंस में एक ओबीसी की है, एससी की सोशियोलॉजी में है एक, उसके बाद ईवीएस में एक है, मैनेजमेंट स्टडीज में एक है, ओबीसी में एक है और उसके बाद एसटी की एक है और कॉमर्स की एक अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर है। उसके बाद दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस लिखा है, द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट इज ऑनलाइन, ऑनलाइन ही आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट जो रहेगी 5 नवंबर 2023, सबमिट हार्ड कॉपी इन द यूनिवर्सिटी इज 15 नवंबर 2023, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो है 5 नवंबर को तक जो है करना है और हार्ड कॉपी अगर सबमिट करानी है तो 15 नवंबर तक आपको करानी होगी, शाम 5 बजे तक। फॉर द डिटेल ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट विल हैव टू विजिट, ये इसकी मेन वेबसाइट है, बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे मेन वेबसाइट पर। जो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में जो इंस्ट्रक्शन एंड टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर क्या मांगी गई है, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स विल बी एज पर द यूजीसी नोटिफिकेशन इन द गजेट ऑफ इंडिया डेटेड 18 जुलाई 2018। जो यूजीसी नोटिफिकेशन जारी किया गया था गजेट ऑफ इंडिया 18 जुलाई 2018 को, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी यहां पर मांगी गई है। इंटरव्यू जो है यहां पर रहेगा, एग्जाम नहीं होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के बेस पर यहां सिलेक्शन रहने वाला है। जैसे कि आपने अगर एमफिल पीएचडी किया है तो 30 मार्क्स जो है वो अधिकतम यहाँ पर रहेंगे, जेआरएफ नेट सेट किया है तो 7 मार्क्स, और इसके अलावा जो है 3 मार्क्स इन अवार्ड कैटेगरी, ठीक है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के द्वारा ही तय किया जाएगा कितने स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्राइटेरिया दिया है, जैसे कि एकेडमिक रिकॉर्ड आपका, ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, आपने एमफिल या पीएचडी में से क्या किया है तो इसके अधिकतम 30 मार्क्स, नेट विज जेआरएफ किया है या नेट किया है या स्लेट सेट आपने किया है इसके 7 मार्क्स, आपका कोई रिसर्च रहा है तो उसके मैक्सिमम 2 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है 1 साल का तो उसके 2 मार्क्स, ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा भी है तो मार्क्स जो है 2-2 मार्क्स जो है वो हर साल के, और इसके अलावा अवार्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपका 100 में से जो है यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद जो है इंटरव्यू भी जो है यहाँ पर लिया जाएगा जिन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्टेड ये करेंगे। इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट विल बी हेल्ड इधर इन अजमेर और इन जयपुर, या तो आपका अजमेर में होगा इंटरव्यू या आपका जयपुर में रहने वाला है।
तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ, हाईलाइट की है मैंने। आपको क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट अटैच ऑल रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ ऑल अटैच डॉक्यूमेंट अलोंग विद रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 500, ठीक है, 500 एज पर प्रोसेसिंग फीस रहेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की 600 रहेगी। द पोस्ट वाइज प्रोसेसिंग फीस फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए विल बी हाफ ऑफ व्हाट हैज बीन मेंशन एट पॉइंट 3 अबव। जो नंबर 3 जो पॉइंट है इसमें जो मेंशन की गई है, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो हाफ ऑफ यहां पर रहने वाली है फीस। बाकी टीचिंग से जुड़ी और भी जो है जॉब्स या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जो है लेटेस्ट न्यूज आती है आपको मेरे चैनल पर बिल्कुल रेगुलर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।